talking about it. This team was just dirty than that. He's going to be in the development company in the other areas. By 2030, especially when we need to consider that about 600 billion people aware that the application of existing knowledge and technologies could increase average meal quality to reduce. Reducing food waste must be a key target, and reducing the consumption of animal products. One thing is for certain, this challenge is formidable. Happy to be here. Thank you. Major advances will need to be made and applied. A very strong role in meeting food and nutrition security problems, and they provide high quality protein and micronutrients. हर वर्ष ये कॉन्फ्रेंस होता रहता है, लेकिन इस बार विशेष ध्यान इस पर आकर्षित कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया, ताकि मेक इन इंडिया का भी ग्रामीण भारत में हम कैसे दूध की उत्पादों को बढ़ावा देंगे और दूध के जरिए हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन लाएंगे, इसी पर ध्यान है। तो इसमें टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सबकी मिला करके हम कैसे किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे, यही मुख्य इसका कॉन्फ्रेंस। तो कितना परिवर्तन आया और आगे क्या योजना? नहीं, देखिए, आपको मालूम है कि दूध के जरिए से, श्वेत क्रांति के जरिए से कितने किसान ऊपर उठे हैं, और कॉपरेटिव को खाली मान लें तो 16 मिलियन किसान कॉपरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको प्रत्येक दिन दो बार उनकी दूध कलेक्ट होती है और पैसे भी दिए जाते हैं, और इस वर्ष कठिनाई के सामना करते हुए भी सामान्यतः कॉपरेटिव्स ने प्राइस को स्टेबल रखा है, जबकि जहां कॉपरेटिव्स कमजोर है वहां पर किसानों की हालत थोड़ी चिंताजनक है। सरकार ने जो है दूध के जो प्राइस है वो कम कर दिए हैं, लेकिन मार्केट में प्राइस कम नहीं हुए हैं। नहीं, सरकार के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, एनडीडीबी सरकार, देखिए दूध का दाम जो डिसाइड करते हैं वो किसान की कॉपरेटिव अपने करते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है ना एनडीडीबी का हस्तक्षेप। एनडीडीबी मिल्क एडल्ट्रेशन को किस नजरिए से देखती है, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज मिल्क एडल्ट्रेशन? नहीं, हमारे जितने कॉपरेटिव है उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी कॉपरेटिव के माध्यम से हम कोई एडल्ट्रेटेड मिल्क ना ले पाए ना बेच पाए। तो बहुत सारे टेक्निकल एजेंसीज के साथ हम इसी पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे सामने समस्या क्या है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम गांव के स्तर पर जाके सभी अडल्टरेंट को पकड़ सकते हैं, तो हमको वो चेक करने के लिए फैक्ट्री तक आना पड़ेगा। तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, जो बाहर निकलती है वो सही दूध है, लेकिन जो अंदर आती है उस पर हमको और ध्यान देना है। तो किसानों के साथ हम एक क्लीन इन मिल्क प्रोग्राम का भी शुरू कर रहे हैं, वो स्वच्छ भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा सर, क्लीन इन मिल्क? किसानों को बताएंगे कि भाई कैसे वो क्लीन मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो उसमें तो अडल्ट्रेशन की बात के अलावे कैटल को कैसे रखना है, कैसे उसको साफ़ सुथरा रखना है, कैसे साफ़ सुथरे आपको यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, कैसे अच्छे कैन में दूध लाना है, ये सब बातें भी उसमें सम्मिलित है। सेकेंडली, अभी प्रोसेसिंग की बात करते हैं सर, अभी भी प्रोसेसिंग में हम काफ़ी पीछे हैं, 30-35% के बीच में हम कर पाते, तो उसको एनडीडीबी की क्या प्लानिंग है सर इस बारे में? देखिए, अभी ये कोशिश है कि हम प्रोसेसिंग में लोन देते हैं, या कहीं अगले बार जो एनडीपी प्लान 2 में हम ज़्यादा प्रोसेसिंग में ध्यान देंगे। एनडीपी प्लान 1 जो अभी चल रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी, फीड एंड फॉडर और कोऑपरेटिव से किसानों को जोड़ना, ये तीन महत्वपूर्ण पहलू है।
दूसरा दो साल के बाद जब वो प्लान आएगा उस पर हम लोग अभी कोशिश लगे हुए हैं, लेकिन जो भी नबार्ड से या एनसीडीसी से या एनडीडीबी से लोन लेके एक्सपैंड कर रहे हैं उसको हम मदद। सर एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी गाय और भैंस के दूध के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट किया जाता है कि गाय का दूध ज्यादा अमृत है भैंस का है, इससे मतलब अभी आप ये डू यू थिंक कि इट इज अ थ्रेट फॉर द डेयरी इंडस्ट्री? नहीं नहीं, देखिए अभी किसान तो अपने इकोनॉमिक्स देख करके करेंगे, अगर भैंस के दूध में कोई ऐसी खराबी नहीं है, एक तो अभी एक प्रमोशन चल रहा है गाय की दूध की, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग समझदार हैं, कुछ निश मार्केट गाय के दूध की तरफ जाएगी लेकिन जो मेन मार्केट है वो मिक्स्ड मिल्क और इसी में रह जाएंगे, मैं नहीं समझता उससे बहुत बड़ा थ्रेट है। जो लूज मिल्क, लेकिन थ्रेट वो है कि जो अडल्ट्रेटेड मिल्क बिना पैस्चराइज किए हुए, बिना लेबल किए हुए, बिना कोई ब्रांड के बेचते हैं, वही थ्रेट जो लूज मिल्क है सर, जो अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं सर। अगर वो किसान से डायरेक्टली आए कोई दिक्कत नहीं है, वो जो बीच वाला जो आ जाते हैं वही सबसे बड़ा थ्रेट है। yes. उसमें new cups which can be available in India in order to make some yogurts. Here you can see some cups which are from a new technology which is thermoforming. We are forming the cups, we are decorating them and we are putting the yogurt inside. And this is typically the kind of cup for lassi. And we are doing also a lot of cups for dahi on the same technology. Our technology is bringing a decrease of the cup by 50%, by half of it. So this can be a very big advantage for the dahi makers, for the kheer makers and for the lassi producers. They will be able to have some better products, extended shelf life with recyclable cups. What's your name? My name is Gwen, company Cinelink Arcil from France.